नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव राशिद जी। राशिद जी को हाल ही में इटावा का कांग्रेस से टिकट मिला है और वो इटावा से मैदान में उतरे हुए हैं। राशिद जी, कैसा क्या देखने को मिल रहा है कि इटावा मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर पिछली बात की जाए तो यहाँ पर सत्ता बदौलिए जीत हासिल की थी। क्या लगता है आपको कि आप इटावा की सीट को जीत कर कांग्रेस के खाते में डाल पाएंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। प्रियंका जी का नारा है, लड़की को आरक्षण दिया है उन्होंने 40%, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और हम लोग लगातार संघर्ष पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। रही बात इटावा सदर की, तो मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, राष्ट्रीय सचिव जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अहम जिम्मेदारी इटावा पे दी। मैं पिछले 15-17 साल से लगातार जनता के बीच में हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैंने गली के नाले के संघर्ष से लेकर NRC के बड़े से बड़े आंदोलन को इस इटावा में करने का काम किया है, लोगों को अपने साथ जोड़ने का, बल्कि मैं ये कहूँगा लोगों को, अपने आप को लोगों से जोड़ने का काम किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है इटावा सदर की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी और विधानसभा पहुँचाएगी। उत्तर प्रदेश में फिर भी कांग्रेस की कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? देखिए, ये नेता तय नहीं करता, ये जनता तय करती है। हम जनता के बीच बराबर जा रहे हैं और लगातार जाते रहेंगे, और जनता, हमें लगता है कि हम सरकार में होंगे, आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, मैं जो कांग्रेस का मुद्दा होगा चुनाव को लेकर, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है? देखिए, पहली बात तो मैं ये आपको बताऊं, मैं सदर सीट पे मुद्दों को हटाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं अगर सदर जी सीट की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो कोई मुद्दा यहाँ बाकी नहीं रहेगा, हर मुद्दे पे काम होगा, हर मुद्दे का जवाब होगा, हर मुद्दे का सलूशन। राशिद जी, एक सवाल और है जो हम सभी नेताओं से पूछते हैं कि जिस तरीके से BED और BTC वाले शास्त्री चौराहे पर खड़े होकर नौकरी की गुहार लगाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में आते ही वो रोजगार देंगी लोगों को, नौजवान को, लगातार वो बात कर रही है, संवाद कर रही है बेरोजगारों से, जो लोग रोजगार मांगने जाते हैं और जिन पे ये सरकार जो है अत्याचार करने की कोशिश करती है, उनसे लगातार संवाद कर रही है, और हम रोजगार भी देंगे लोगों को और सम्मान भी देंगे, और नौजवानों का पूरा सम्मान होगा, हम लगातार काम करेंगे। राशिद जी, हमारा लास्ट सवाल ये हो रहा है, क्योंकि उदी क्षेत्र माना जाता है, उसकी सड़क जो है वो पूरी तरीके से जर्जर पड़ी हुई है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरता भदौरिया की बात की जाए तो पूर्व विधायक थी, वो भी वहीं की रहने वाली, अभी तक उसकी हालात को नहीं बदला गया है सड़कों को। अगर मान लीजिए अगर आप जीतते हैं तो क्या वाकई में वहाँ की सड़कों का सौंदर्यकरण हो पाएगा या नहीं? देखिए, मेरा पहला मुद्दा रहेगा कि इटावा का सौंदर्यीकरण हो और इटावा की सड़कें अच्छी हों, इटावा में लाइटिंग हो, इटावा के लोगों को एक स्वच्छ और साफ माहौल मिले, और लगातार मैं इस पर काम करूंगा, और अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सड़क के लिए भी काम करूंगा, मैं लोगों के लिए भी काम करूंगा, और इटावा की जनता के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राशिद जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा।